नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज तारीख है 14 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो है। वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिसमें आज हम लोग ओलंपिक को कंक्लूड कर लेंगे, सारे उससे रिलेटेड फैक्ट और मेंस के सवाल एक बहुत ही अच्छे से बन सकते हैं कि भारत का इतना ख़राब प्रदर्शन क्यों रहता है ओलंपिक में। यूक्रेन जो पिछले 2-3 सालों से युद्ध में उलझा पड़ा है, वो भी हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है इतनी कम आबादी के साथ में, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना सब कुछ, फिर भी हम इतना ख़राब प्रदर्शन क्यों करते हैं ओलंपिक में, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर एक द्वीप समूह है और एक उसके अलावा बीच है और एक खाई है जो चर्चा में है, कुछ जीव जंतुओं के नाम हैं जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में DRDO ने एक बॉम्ब का परीक्षण किया है, गौरव नाम है उसका, उसको भी देखेंगे। और कामिकाजी जो मिसाइल होता है, ड्रोन प्रणाली होता है, उसका भी अनावरण किया गया है, शुरुआत किया गया, भारत ने उसको भी सक्सेसफुली ट्रायल कर लिया है, उसको भी देखेंगे क्यों उसको खतरनाक माना जाता है। इसी तरह के और भी कई सारे टॉपिक होंगे। हेडलाइन क्या है? हेडलाइन में बांग्लादेश के अंतरिम गवर्नमेंट के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, ये वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को सिक्योर किया जाए, इसलिए वो हिंदू मंदिरों का, हिंदू कॉलोनियों का दौरा कर रहे हैं, हिंदू नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। और ये परम आवश्यक चीज़ है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज़ तो किया कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ में इस तरह की कंडीशन बन रही है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे नेताओं से भी मुलाकात की, हिंदू नेताओं से, और उनको आश्वासन दिया कि आपके लिए कोई भी खतरा महसूस नहीं होगा, आपको बांग्लादेश में सरकार सुरक्षित माहौल बनाएगी। इस तरह का हेडलाइन वहाँ से आ रहा है। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि कोलकाता में खतरनाक सा, बहुत ही ब्रूटल केस हुआ एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, उसके कारण से देश भर के जो अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है। एम्स भी हैं, भी एम्स अगर आप जाएंगे वहाँ पर भी जो OPD सर्विस है वो कल बंद था, OPD बंद था, केवल इमरजेंसी ही काम कर रहा है। और भी कई सारे ऐसे न्यूज होंगे जिसको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखते हैं एक एक करके, ओलंपिक से शुरू करते हैं, ओलंपिक को आज कंक्लूड करेंगे, सभी फैक्ट उससे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे वो PT हो। PT के तो फैक्ट आपको पता ही होंगे, मेंस के हिसाब से हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे कि भाई क्या कारण है कि हम इतना पिछड़े हुए हैं, और क्रिकेट को पसंद करने वाला ये जो देश है, ये ओलंपिक के मेडल नहीं आने पर निराश क्यों हो जाता है पूरे 4 साल, अब आज से लेकर अगले साल के ओलंपिक तक, अगली बार जब होगा 4 साल के बाद, तब तक कोई चर्चा तक नहीं होगा इसका, ओलंपिक का कोई चर्चा नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होगा। फिर अगली बार 2036 ओलंपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो ओलंपिक होगा भाई, वो कहाँ गया? 4 साल बाद भी तो ओलंपिक होगा, उसकी क्या तैयारी है? कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे हम लोग। तो ज़रा इसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन टॉपिक को शुरू करने से भी पहले है कि भाई आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको जुड़ना हो तो कल 15 अगस्त है, कल तक का आपके लिए ऑफ़र होगा, जिसमें ईयरली अगर आप लेंगे तो 210 के आसपास आपका पर मंथ पड़ेगा, वैसे पर मंथ 299 का है। YouTube से भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर 299 पर मंथ में आपको आंसर राइटिंग और PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। निबंध लेखन का भी अलग से ग्रुप चलता है, आंसर राइटिंग में सैटरडे को निबंध लिखवाता हूँ मैं, तो वो भी अपना पैरेलल में चलता है। अगर आपको जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा, 71 BPSC देना हो या 70 BPSC देना हो, लिखना तो आपको है ही और लिखवाता तो मैं डेली हूँ ही, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप 6 महीने या साल भर का लें, ताकि आप जब पैसा दें तो आपके ऊपर ये दबाव भी रहे कि मुझे लिखना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गायब हो जाते हैं पेमेंट करने के बाद, लिखते ही नहीं हैं, पूछो क्यों नहीं लिख रहे हैं तो अजीबोगरीब बहाने होते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और उन बहानों में उनका 3 से 4 महीना बहुमूल्य बीत चुका है, आगे भी बीत जाएगा। फिर वो PT के बाद 2-4 सवाल लिखेंगे GS1 को और खुश हो जाएंगे कि हमें आंसर राइटिंग आ गया। आंसर राइटिंग उस तरह से नहीं होता है, आपको सवाल की वेराइटीज़ और सवाल के जो एंड वर्ड होते हैं उनको डील करना आना चाहिए, और लिखना कोई एक दिन का काम नहीं होता है, रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा आप सीखते हैं। जहाँ से भी जुड़ें, किसी और से भी जुड़ें आप, उससे भी कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, बस लिखिएगा ज़रूर, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक लिखिएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद तो केवल PT की तैयारी में लग जाना है, इसलिए आपके पास में समय नहीं होगा, समय अभी ही है, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है।
पीटी के बाद कोई आंसर राइटिंग सीख नहीं पाता है, आपको हकीकत में बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। बाजारवादी अर्थव्यवस्था है आजकल, आप ही के ऊपर में सब कुछ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत, एक एक फैक्ट को देखेंगे, पहले पीटी फैक्ट को अलग कीजिएगा। मेंस में विश्लेषण आधारित सवाल पूछे जाते हैं। विश्लेषण का तात्पर्य है कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि इतना बुरा परफॉर्मेंस हमारा रहा है, हम खिलाड़ी तक सभी खेलों के लिए नहीं भेज पाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जितने ओलंपिक में गेम्स होते हैं उन सभी गेम्स के लिए हम खिलाड़ियों को नहीं भेज पाते हैं सभी गेम के लिए। क्या 140 करोड़ की आबादी में हमें 400 अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ी नहीं मिलते हैं क्या, है ना। सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है भाई, तो अमेरिका की आबादी है 33 करोड़ और इसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है, पहले स्थान पर है गोल्ड में। लेकिन चाइना की आबादी है 140 करोड़, इसने अमेरिका के बराबर ही गोल्ड जीता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका क्यों अमेरिका है, क्योंकि 33 करोड़ आबादी के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है। चीन क्यों चीन है, तो भाई 140 करोड़ है, बहुत सारे ओलंपिक मेडल जीतता है, बहुत सारे, उसके गोल्ड मेडल की संख्या सिल्वर मेडल से ज़्यादा है, ये भी जरा देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है, पदक तालिका में 71वें स्थान पर हैं, 71 पोजीशन पर हैं, ठीक है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर थे, पिछले बार से बुरा हाल हो गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम भले ही है लेकिन इसका ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 में, आपको अगर याद होगा, क्यों, तो कोरोना के कारण। एक रजत, 5 कांस्य पदक 6 पदक जीतने के बावजूद देश के कई बार करीबी हार और निराशाजनक परिणाम का सामना करना पड़ा, जैसे भारतीय खिलाड़ियों के खेल के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 से भारत के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या थी, कोई विशेषता नहीं थी गुरु, हमारा प्रदर्शन मिला जुला ही रहा है, अच्छा नहीं रहा है, आपको हकीकत में बताऊं। आप ठीक है, खिलाड़ियों पर गर्व कीजिए, जो लेकर आए हैं वो भी तो यही खिलाड़ी लेकर आए हैं ना, लेकिन प्रदर्शन कोई उतना अच्छा नहीं रहा जिस तरह की हम उम्मीद कर सकते थे। देखिए, मनु भाकर जी हैं, पता ही होगा कि इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है, कौन सा, तो कांस्य जीता है, 2 किस्में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है मनु भाकर, और सरबजोत सिंह, इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में टीम स्पर्धा में जीता है इन दोनों ने मिलकर। स्वप्निंग कुसाले, इन्होंने कांस्य पदक जीता पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है पुरुष हॉकी की, नीरज चोपड़ा रजत पुरुषों की भाला फेंक में। अमन सहरावत, ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने 57 किलो वर्ग फ्री स्टाइल स्पर्धा में जीता है और ये मात्र 21 वर्ष के हैं। ये अलग अलग खिलाड़ियों का हो गया। नीरज चोपड़ा से हमें इतनी उम्मीद होती है कि रजत पदक हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो हमेशा मानते गोल्ड ही लाना चाहिए, खैर खिलाड़ी ही हमारा गोल्ड है तो आएगा ही गोल्ड कभी न कभी फिरते। देखिए, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता है, यह उनका दूसरा ओलंपिक पदक था, जिससे वे भारत के 5 में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नीरज चोपड़ा ने इससे पहले गोल्ड लाया था, अभी वर्तमान में इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है। मनु भाकर ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शूटिंग में। वो व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतकर एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। भारत ने निशानेबाजी में 3 पदक स्वप्निंग कुसाले द्वारा हासिल किया, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पहला ओलंपिक पदक भी शामिल है। ये ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का सर्वोच्च पदक था, कौन सा, तो इस बार जो प्राप्त हुआ है। भारतीय एथलीटों ने तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस जैसे 16 खेलों में 69 पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसमें से मात्र 6 पदक आए हैं। लक्ष्य सेन ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन के सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय बने, 4थे स्थान पर रहे लक्ष्य सेन, ये भी हमें पदक मिल सकता था, शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन अंत में नहीं खेल सके, इनके कहनी में कोई दर्द आया जिसके कारण से अंतिम मैच ही हार गए और वहाँ से इनको वापस होना पड़ गया। अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन प्रकाश पादुकोण जो बैडमिंटन में बहुत बड़े नाम हैं भारत में, उन्होंने बोला कि हमें खिलाड़ियों को ये देखना पड़ेगा कि हम ओलंपिक के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, हमें और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ओलंपिक को लेकर। इन्होंने डायरेक्ट खिलाड़ियों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाली और बोला कि आपको सभी तरह के सुख सुविधाएँ मिली हैं तो अब आपके ऊपर में है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैसे लक्ष्य सेन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पहलवान विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल पहुंचने के बाद 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई, ये भी डिजर्विंग कैंडिडेट थी, इनको गोल्ड मिलना चाहिए था जिस तरह के खिलाड़ी हैं, लेकिन पता ही आपको 100 ग्राम्स के कारण ये बाहर हो गई। इसको लेकर भी ये चीज़ आया
कि आप पहली बार ओलंपिक में नहीं गए थे, आपको ये जागरूकता पहले से होना चाहिए था कि वज़न को लेकर आपको बाहर किया जा सकता है, इसलिए वज़न को पहले से ही मेंटेन करके रखना चाहिए था। हालांकि जो भारत की टीम गई थी इनके साथ में, जो अलग अलग टीम के मेंबर शामिल होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी की बात अपने देशों में नहीं की जाती है। किसकी जिम्मेदारी है, कोई तो दोषी होगा इस चीज़ को लेकर, क्यों भाई 100 ग्राम वज़न ज़्यादा हुआ। आज तक भारत ने कुल 41 ओलंपिक पदक जीते हैं, 41 पदक टोटल है हमारा आज तक का, जिससे ज़्यादा तो हर साल कितने ही देश जीत जाते हैं। उल्लेखनीय उपलब्धियों में नॉर्मन पिचर्ड की रजत पदक 1900 पेरिस, कैडी जाधव का कांस्य पदक 1952 हेलेंस की, और कर्णन मलेश्वरी का 2000 सिडनी में, अभिनव बिंद्रा का स्वर्ण 2008 बीजिंग में, नीरज चोपड़ा का स्वर्ण 2020 टोक्यो में ये शामिल है। पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं, जबकि भारत ने कुश्ती में 8 पदक प्राप्त किए हैं। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन 2020 टोक्यो में रहा है, जब भारत ने जिसने 1 स्वर्ण सहित 7 पदक प्राप्त हुए थे। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 के लंदन ओलंपिक में रहा, जब इसने 6 पदक 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं वो कितने हैं आज तक के, तो 41 ही हैं, है ना। भारत के ओलंपिक पदक जीतने में इतना संघर्ष क्यों है, अब यहीं से आपका मेंस का सवाल बनेगा। मेंस से पूछा जाएगा कि ओलंपिक में हमारे खराब प्रदर्शन के कारण क्या है, आपको बताना पड़ेगा कारण। पॉइंट वाइज में लिखिएगा, प्रतिभा की पहचान, प्रतिभा की पहचान हम नहीं कर पाते हैं। दूर दराज के इलाकों के जो बच्चे हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, वो कहीं भी इसमें बिलोंग नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता है किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BCCI नामक एक बोर्ड है जो क्रिकेट को लेकर दूर दराज के क्षेत्रों से खिलाड़ियों को निकाल कर लाती है। आपने सुना होगा कि बिहार से कितने ही खिलाड़ी चयनित हो जाते हैं, पहले रणजी खेलते हैं, फिर IPL खेलते हैं, फिर भारतीय टीम का हिस्सा बन जाते हैं। देश लेवल पर कोई इस तरह का एथलेटिक्स के लिए कोई प्रोग्राम है क्या, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से अच्छे खिलाड़ियों को लाया जाए, उनको फिर नेशनल लेवल पर लाया जाए, पहले स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, फिर ओलंपिक के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, ये सब काम किया जाए। स्कूलों में तो खेल खेलने पर पिटाई हो जाती है, कहाँ से ओलंपिक पदक आएंगे। बुनियादी ढांचे और संसाधन का अभाव है, प्रशिक्षण सुविधा, कोचिंग विशेषज्ञता, वित्तीय सहायता, हर चीज़ का अभाव है। खिलाड़ियों की पहली टेंशन होती है पेट भरना, पेट भरने की समस्या से उनको निजात मिले तब तो वो खेल पर ध्यान दे सकें, ये एक बहुत बड़ा सच है जो आपको जानना चाहिए। कई एथलीट सरकार से अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण संघर्ष करते, उदाहरण के भारत के शीर्ष शीतकालीन ओलंपिक शिवा केसवन को अपने प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा। क्राउड फंडिंग का मतलब लोगों से बोलकर पैसा इकट्ठा करना पड़ा था। भारत में अरबपति निजी संपत्ति की बढ़ती संख्या के बावजूद क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में प्रयोजन और निवेश में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। आपने कभी सुना है कि अंबानी साहब ने ओलंपिक में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कोई मुंबई इंडियंस जैसा कुछ खर्चा वर्चा कर रहे हों, या कोलकाता नाइट राइडर्स जैसा? सारे उद्योगपतियों की कोई ना कोई IPL टीम में भागीदारी है, सारे उद्योगपति इसमें आपको दिख जाएंगे, लेकिन ओलंपिक को लेकर कोई भी आपको नहीं दिखेंगे इस तरह से कि भाई पार्टिसिपेट कर रहे हों, लोगों की सहायता कर रहे हों और फंडिंग कर रहे हों, इस तरह से कोई भी नहीं दिखेगा आपको। क्रिकेट का प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा है भारत में, दूसरे खेलों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्रिकेट के अलावा एक मजबूत खेल संस्कृति, मीडिया प्रचार की कमी एक बाधा बनती है, जिसके कारण से खेल का कल्चर नहीं क्रिएट कर पाए अभी भी हम। अपर्याप्त खेल नीतियां हैं, खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार, एथलीटों का समर्थन करने हेतु टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसे प्रयास किए गए हैं। हालांकि ये पहल अपेक्षाकृत हाल के ही हैं, अभी तक कोई महत्वपूर्ण परिणाम तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओलंपिक को लेकर भारत सरकार ने प्रयास तो किया है, लेकिन ओलंपिक को लेकर जब भी प्रयास किया जाता है तो कम से कम 10 से 20 सालों का निवेश होता है किसी खिलाड़ी पर। 10 से 20 साल तक मेहनत किए जाते हैं, तब जाके कोई एक मेडल की उम्मीद की जाती है। आपने संसद भाषण सुना होगा कीर्ति झा आजाद का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हमारे खिलाड़ी गोल्ड या कोई मेडल ले आते हैं तब सरकार उनके लिए बहुत काम करती है, पैसा देती है, ज़मीन देती है, नौकरी देती, गाड़ी देती है। जब वो मेडल के लिए तैयारी कर रहा था तब आपने क्या किया, ये देखा जाना चाहिए। तब कोई नहीं आता है, कितने ही खिलाड़ी तो आपने देखे होंगे स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी बेचारे परेशान रहते हैं। देखिए क्या है, दीर्घकालिक विकास, भारत के खेल कार्यक्रम अक्सर एथलीट के दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें दीर्घकालिक का नहीं सोचते हैं। जैसे 2036 ओलंपिक के लिए भारत सरकार ने अभी से सोचना शुरू किया है, क्योंकि भारत में होने की उम्मीद है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि भारत में 2036 का ओलंपिक होगा, और अगर होगा
हमारे खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा होगा, वो आज से हमें ओलंपिक को लेकर उनको ट्रेन करना पड़ेगा। 2024 में 2036 की तैयारी शुरू कर दी होगी कई सारे देशों ने, और उसमें भी अगर हमारा खराब प्रदर्शन हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे। विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने तो कई वर्षों तक निरंतर निवेश और योजना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सफल ओलंपिक देशों के पास दीर्घकालिक विकास योजनाएं हैं, जिनमें युवा प्रतिभागियों की खोज करना, शुरुआती प्रशिक्षण देना, चीन में स्कूल में भी प्री स्कूल से छोटे से बच्चे से शुरुआत हो जाती है कि इसकी शारीरिक बनावट के हिसाब से इसको कौन सा खेल खेलना चाहिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कुछ खिलाड़ियों के शारीरिक बनावट होने चाहिए कुछ विशेष खेलों के लिए, जैसे स्विमिंग वाले जो होते हैं उनकी शारीरिक बनावट कुछ और तरह की होनी चाहिए, पहलवानी के लिए कुछ और तरह की होनी चाहिए, बॉक्सिंग के लिए कुछ और तरह की होनी चाहिए। इस पर बचपन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रोग्राम है ही नहीं। खेल प्रशासन, भ्रष्टाचार और राजनीति, जिसका उदाहरण आप ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके पुत्र और उनका सपरिवार भारत में, आपको पता ही होगा कि कुश्ती फेडरेशन में क्या क्या हुआ था, उसका एक शानदार उदाहरण है। खेल संस्कृति का बिल्कुल ही अभाव है, प्रायः परिवार के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में भेजना चाहते हैं, या अगर स्पोर्ट कोटा से भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है, और कोई इसमें खास तरह से नहीं देखा जाता है। जाति क्षेत्रीय पहचान से मजबूत संबंधों के साथ भारत का जटिल सामाजिक अस्तित्व एकीकृत खेल विकास संस्कृति में विकास डालता भाई बाधा डालता है कि भाई भारत में आज तक स्पोर्ट का कल्चर नहीं डेवलप हो पाया है। स्पोर्ट का कल्चर डेवलप करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है गवर्नमेंट के स्तर से। खिलाड़ी अपने स्तर से केवल मेहनत करे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, अगर सरकार का समर्थन नहीं मिलता है तो। सरकार का समर्थन मेडल लाने के बाद मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। क्या क्या कर सकता है भारत? जमीनी स्तर विकास करना चाहिए, बुनियादी अवसंरचना में निवेश करना चाहिए। जमैका और ग्रेनेडा जैसे छोटे देश जिनकी आबादी बहुत कम है, ओलंपिक में नियमित रूप से भारत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। स्प्रिंटिंग जैसे विशिष्ट खेलों में उनका केंद्रित निवेश लक्षित विकास के महत्व को दर्शाता है। ये तो दो देशों के नाम आपको मैंने बताए हैं। यूरोप के ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और बहुत सारे मेडल जीते हैं वो। एथलीटों को सशक्त बनाना, महाविद्यालय खेल तंत्र, भारत का महाविद्यालय कॉलेजिएट खेल तंत्र विकसित कर सकता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन को प्रतिबिंबित करता है। NCAA न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के देशों के लिए बड़ी संख्या में ओलंपिक चैंपियन तैयार किए हैं। अगर NCAA कई देशों का होता तो वह पेरिस ओलंपिक 2024 में 60 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर होता। NCAA से ट्रेंड होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें 60 स्वर्ण पदक जीते हैं। आप सोच सकते हैं किस हद तक की ट्रेनिंग देता होगा ये जो इंस्टीट्यूट है, ये है ना। छोटे और बड़े देशों के कई एथलीट अपने ओलंपिक सफलता का श्रेय NCAA में प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धा को देते हैं, तो भारत में भी इस तरह का कुछ तंत्र होना चाहिए। यानी कि हमारे पास मॉडल भी है, हमारे पास खिलाड़ी में प्रतिभा भी है, शानदार खिलाड़ी होते हैं लेकिन बेचारे गांव या राज्य तक सिमट के रह जाते हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रह जाते हैं, है ना। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी भी हैं, तंत्र भी है, पैसा भी है, क्या नहीं है? इच्छा शक्ति नहीं है और जनता में जागरूकता नहीं है, सही सवाल नहीं पूछते हैं हम। रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ के कभी हमने आगे सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारी बेसिक नीड ही अभी पूरी नहीं हुई है तो हम खेल पर कैसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में एक चिंता जताई जा रही है, जिसमें गैलेथिया द्वीप समूह और गैलेथिया की खाड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गैलेथिया बंदरगाह। माना जा रहा है कि इस बंदरगाह, इस जो सी पोर्ट है, इसके निर्माण के कारण से कई सारे जीव जंतुओं को नुकसान होगा, पारिस्थितिक तंत्र को बेहद नुकसान पहुंचेगा। इसको लेकर न्यूज आया है, जिसके बाद मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या इसमें दिक्कतें आ रही है, इको सेंसिटिव एरिया में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसको हरी झंडी भी दे दी गई है और भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हम जो अभी हैं डेवलपिंग नेशन है, कल भी मैंने ये शब्द बताया था आपको, ये पूरा स्टेटमेंट बोला था मैंने, अभी हम डेवलपिंग नेशन हैं तो हम हमेशा इकोनॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इकोलॉजी के ऊपर में, ठीक है। लेकिन हम इकोलॉजी का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर कहीं पर इस तरह का संभावना बनता है जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, निसंदेह समुद्र में बहुत बड़ा और शानदार सा पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पर, लेकिन हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है और स्ट्रेटजिक रूप से भी खुद को सुरक्षित करना है तो हमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में निवेश करना ही पड़ेगा, वहाँ पर हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ये परम आवश्यक है भारत के डेवलपमेंट के लिए, और अगर हमने डेवलप नहीं किया तो कोई और देश उसको डेवलप करके आगे बढ़ जाएगा।
अभी हाल फिलहाल में आपने सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में सुना है, मैंने आपसे पूछा था कि भाई सेंट मार्टिन जो द्वीप समूह है ये कहाँ पर है और क्यों चर्चा में है। तो बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि सेंट मार्टिन द्वीप समूह जैसे बांग्लादेश है तो यहाँ पर है, चिटगांव के पास में बांग्लादेश के पूर्वी भाग में स्थित है, ये पूर्वी में भी नीचे का भाग है, वहाँ पर हिंद महासागर में छोटा सा द्वीप है, छोटा सा कुछ किलोमीटर की मात्र पट्टी बन सकती है यहाँ पर। इस द्वीप समूह पर अधिकार को लेकर, इस द्वीप समूह पर एक्सेस को लेकर अमेरिका ने बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि इसके जरिए वो पूरा पूरा बंगाल की खाड़ी और चीन पर निगरानी रख सकता है, भारत पर निगरानी रख सकता है आसानी से। बांग्लादेश ने नहीं दिया। उसके बाद आपको पता ही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के आरोप लगे हैं और भी कई सारे चीज़ें, यानी कि हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी जो है ये स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रैटेजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से। जिस प्रकार से दक्षिणी चीन सागर स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रूप से महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी भी स्ट्रैटेजिक रूप से भी और इकोनॉमिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो केवल इकोलॉजिकल फैक्टर को लेकर हम इतना बड़ा फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म निसंदेह होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर आज तक वो दूप जो हैं वो अछूते रहे हैं, उनको किसी ने छुआ नहीं है आज तक। भारत सरकार पहली बार जा रही है उसको छूने के लिए, तो निसंदेह वहाँ पर प्राकृतिक रूप से समृद्ध चीज़ें होंगी, बहुत सारे कोरल होंगे, बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे और मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से फले फूले होंगे, बहुत ही सौंदर्यपूर्वक वहाँ पर दृश्य होगा, है ना। लेकिन अब वहाँ पर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो नुकसान तो कुछ थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है भारत सरकार सतत डेवलपमेंट के तहत में इसको डेवलप करे, जिसमें क्या हो भाई सस्टेनेबल हो प्रोजेक्ट, पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे और हमारा इकोनॉमिक लक्ष्य भी और स्ट्रैटेजिक लक्ष्य भी पूरा हो जाए। क्योंकि हमारे देश के स्ट्रैटेजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्रेट निकोबार का डेवलप होना काफ़ी परम आवश्यक है। आज़ादी के बाद से हमने द्वीपों को इग्नोर किया था, जो कि बहुत बड़ी भूल है हमारे लिए। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। एकीकृत परियोजना का तात्पर्य इसमें काफ़ी सारा कुछ होगा, एक तरह से शहर की प्लानिंग की जा रही थी। एक शहर की आवश्यकता क्या होती है, पहली आवश्यकता होती है बिजली, दूसरी आवश्यकता क्या होती है पानी, तीसरी आवश्यकता क्या होती है आवास, बिजली आएगा सबसे पहले आवास हो, चौथा क्या होता है भाई तो ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा होना चाहिए, पांचवा क्या होता है अर्थव्यवस्था, ये सभी होंगे तभी अर्थव्यवस्था बनेगा किसी भी शहर के लिए, और उसके अलावा क्या होगा भाई सिक्योरिटी, अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, तो इतना सारा कुछ चाहिए, इन सभी को डेवलप करना पड़ेगा सरकार को। तो पावर प्लांट वहाँ पर लगाया जा सकता है, पीने के पानी के लिए कुछ स्रोत का आवास व्यवस्था किया जाएगा, आवासों का यानी कि प्लॉटिंग वगैरह होगी और घर वगैरह बनाए जाएंगे वहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर, तब जाके वहाँ पर इकोनॉमी जो है वो पनपेगी। ये सारा कुछ काम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में किया जाएगा, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। सारा कुछ मैंने आपको बताया कि भाई ऊर्जा चाहिए, परिवहन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आवास चाहिए, तब जाके कोई शहर का निर्माण होता है। आप अभी जिस भी शहर में रह रहे हैं आपकी मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं, अभी बिजली चली जाए, पानी आना बंद हो जाए, है ना, आवास छिन जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर तो शहर रहने लायक ही नहीं होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड परियोजना का प्रस्तावक है। पारिस्थितिक विज्ञानी शोधकर्ता इस परियोजना के बारे में एक साल से अधिक समय से चिंता जाहिर कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से चिंता जाहिर कर रहे हैं। EIA रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे, गलत व अधूरी जानकारी दी गई है। द्वीप का क्षेत्रफल एक स्थान पर 1045 वर्ग किलोमीटर वर्णित है, जबकि दूसरे पर 910 वर्ग किलोमीटर के रूप में वर्णित है। आधिकारिक आंकड़ों में ही हमें देखा जा रहा है कि दो अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। अब इसमें और इसमें काफ़ी बड़ा अंतर हो जाता है, कितने का अंतर हो जाता है भाई, तो 135 वर्ग मीटर के आसपास में अंतर है। 135 वर्ग कोई छोटा नहीं होता, अच्छा खासा बड़ा एरिया होता है। यह बताया गया कि गैलेथिया बंदरगाह क्षेत्र किसी भी प्रवाल भित्तियों को रिकॉर्ड नहीं करता है, सरकारी रिकॉर्ड में बताया गया, सरकारी रिपोर्ट में बताया गया, जबकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि गैलेथिया प्रवाल भित्तियाँ 116 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। ये जो है गलत रिपोर्ट और गलत तथ्यों का सहारा लिया गया है, ये गलत है। आप स्वीकृत कीजिए उस चीज़ को, फिर उस हिसाब से सस्टेनेबल प्रोजेक्ट डिजाइन कीजिए। गैलेथियाई खाड़ी भारत में जाइंट लेदर बैक के लिए प्रतिष्ठित नेस्टिंग साइट है। नेस्टिंग के यहाँ पर खूब सारे वो अंडे वगैरह देती हैं, इसका ध्यान रखिएगा।
लेदर बैक जो कछुए होते हैं, उनका नेस्टिंग साइट है गैलेथिया की खारी, इसलिए बहुत ही भारी स्तर पर होता है ये। जैसे ऑरिब रेडले जो कछुए होते हैं उनका कहाँ पर होता है ना, ओडिशा के तट पर आपने सुना होगा होता है। उसी प्रकार से लेदर बैक जो कछुए हैं इनका है नेस्टिंग साइट है वहाँ पर, जो 3 दशक में किए गए सर्वेक्षण के तहत दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है। द्वीपों में जीवों की 323 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जबकि वही भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर 695 प्रजाति हैं। सर्वेक्षण जो सरकार ने किया उसमें कुछ और, अब वही भारत सरकार का ही डिपार्टमेंट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें कुछ और है। CIA का कहना है ग्रेट निकोबार से दूसरी जगह किसी प्रवासी पक्षी की सूचना नहीं मिली है, जबकि यह सर्वविदित है कि यह द्वीप विश्व स्तर पर 2 महत्वपूर्ण पक्षी फ्लाईवे का स्थान है। बर्ड का जो फ्लाईवे होता है जिससे फ्लाई करके एक से दूसरी जगह पर जाते हैं, वो 2 फ्लाईवे यहाँ से गुजरता है। इसके साथ ही ग्रेट निकोबार में प्रवासी पक्षियों की 40 अधिक प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं। संस्थागत उदासीनता EIA रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण नीति जैसे इनकी मानक संचालन प्रक्रिया, पर्यावरण वन मानदंडों के उल्लंघन को उजागर करने की प्रक्रिया और पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी विवरण होने की उम्मीद थी, लेकिन इस प्रकार का कोई भी चीज़ हमें नहीं मिला है। जनजातीय कल्याण निदेशालय द्वारा नियुक्त उपक्रम एजेंसी ने द्वीपों पर स्वदेशी लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने की प्राथमिकता के साथ कार्य किया है। स्वदेशी का मतलब जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, वहाँ के इंडिजिनस जनजाति समूह हैं, उनके अधिकारों को भी तो आपको सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहाँ के मूल निवासी हैं। आप उनको हटाकर बाहरी लोगों को ले आएंगे तो उनके अधिकारों का फिर क्या होगा, इसलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके द्वारा पहले यह आश्वासन दिया जाता है कि आदिवासियों के अधिकार की अच्छी तरह से रक्षा की जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा, उनके साथ में कोई भी गलत काम नहीं होगा। पर्यावरणीय द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या हैं? इस परियोजना से द्वीप पर स्थित कछुए और मेगापोड के घोंसले तथा प्रवाल भित्तियाँ प्रभावित हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न जाहिर किया गया है कि भाई कोरल रीफ्स जो हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इस बायोस्फीयर रिजर्व का तो बोला जा रहा है कि ये तबाही हो जाएगा। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक आदिवासी रिजर्व की भूमि सहित कई आरक्षित क्षेत्रों की परियोजना के लिए गैर अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। लगभग 81.74% द्वीप राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व और जंगलों से आच्छादित है। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है जहाँ पर ये परियोजना बन रहा है उसका लगभग में 82% एरिया संरक्षित क्षेत्र है और वहाँ पर मात्र 18% एरिया ऐसा है जो संरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्या केवल 18% एरिया पर ही बनाओगे, या संरक्षित क्षेत्र को आप पहले असंरक्षित क्षेत्र घोषित करोगे फिर उस पर आप निर्माण करोगे? इसके कारण से सवाल उठाए जा रहे हैं। परियोजना का जैव विविधता और स्वदेशी ओंगो जनजाति पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ओंगो जनजाति हाल ही में चर्चा में रही है, ये किस राज्य से बिलोंग करती है, किस यूटी से बिलोंग करती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करती है। ओंगो भारत का अंडमान द्वीप समूह के जनजातियों में से एक हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, यहाँ पर अंडमान है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। देखिए क्या है, इसमें 103,870 हेक्टेयर की अद्वितीय और संकटग्रस्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्यों? क्योंकि विषुवत के बहुत नज़दीक है ये, इसलिए यहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, बायोफाइट्स के 650 से ज़्यादा प्रजातियाँ निवास करती हैं। बाकी ग्रेट निकोबार का मैंने लोकेशन आपको दिखाया है, मलक्का के स्टेट से बहुत ज़्यादा करीब है, जिससे हम क्या कर सकते हैं तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर जाने वाले जहाज़ों पर निगरानी कर सकते हैं। साथ ही में पोर्ट ऑफ कॉल को विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट ऑफ कॉल का तात्पर्य कोई भी जहाज आए जाए तो यहाँ पर रुके, रसद भरे और आगे बढ़े। निवेश के लिए जिस प्रकार से द्वीप पर सिंगापुर बड़ा फेमस है उसी प्रकार से हम इसको भी निर्माण कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को बूम कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि एक स्टडी में ये बताया गया है कि वायनाड में जो लैंड स्लाइड हुआ, रेनफॉल दैट कॉज वायनाड लैंड स्लाइड इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट चेंज। इसमें कहा गया है कि जो वायनाड में रेनफॉल एक्सेसिव हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ, अचानक से हुआ, 140 mm से ज़्यादा एक दिन में वहाँ पर बारिश हो गई, जिसके कारण से लैंडस्लाइड की घटना घटी और उस लैंडस्लाइड से अभी तक बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकारी आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। आपको ये बताया गया इसमें कि भाई ये लैंडस्लाइड, ये जो रेनफॉल की घटना हुई, ये रेनफॉल है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण से ट्रिगर हुआ था। क्लाइमेट चेंज का तात्पर्य पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है,
जो हमारे पर्यावरण आसपास में बदलाव हो रहा है उसके कारण से वर्षा के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है, और इसी अत्यधिक वर्षा के कारण से लैंडस्लाइड की घटना हुई। और अत्यधिक वर्षा क्यों हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण से हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन WWA नाम से एक ग्रुप है, जो रिसर्चर्स का ग्रुप है, इन्होंने ये बताया है कि ये जो है ये कॉज किसके कारण से हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण से हुआ है। इसको आप कहाँ पर उपयोग करेंगे, इसको आप उपयोग करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। अगर क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ कुछ भी पूछा जाता है तो उसमें आप तुरंत का हाल फिलहाल के एग्जांपल में वायनाड लैंडस्लाइड को ज़रूर लिखिएगा, ये क्लाइमेट चेंज के कारण से हुआ है। इसमें बताया गया कि अरब सागर जो है, जैसे भारत है ये, तो यहाँ पर अरब सागर है आपको पता ही होगा, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर का तापमान धीरे धीरे बढ़ा है, कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में अरब सागर का तापमान जो है बढ़ा है। इसलिए पहले हमें केवल साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता था साइक्लोन, अब हमें साइक्लोन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और अरब सागर का तापमान बढ़ने से क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होने से क्या होगा, पानी में आर्द्रता जो है, हवाओं में आर्द्रता ज़्यादा हो जाएगी, हवा में आर्द्रता होने से क्या होगा, थोड़ी देर में भारी बारिश की संभावना बन सकती है। इसी तरह के संभावना के कारण से केरल के वायनाड में भारी वर्षा हुई कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में, और उस वर्षा के कारण से इतना भारी स्तर पर लैंडस्लाइड की घटना घटित हुई। भारत सरकार ने पहले से ही चेतावनी दिया था केरल गवर्नमेंट को, हमने लैंडस्लाइड के भविष्यवाणी को लेकर जो अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उससे हमें पता चला था कि लैंडस्लाइड आने वाली है, लेकिन केरल सरकार ने यहाँ पर उचित प्रक्रिया शुरू नहीं की, उचित उपाय नहीं किए, जिसके कारण से इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई। इंसान जो है वो क्लाइमेट चेंज का सीधे तौर पर शिकार हो रहा है, उसका शानदार उदाहरण ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हिमालयन रीजन में भी अभी हाल फिलहाल में कई सारे जगहों पर लैंडस्लाइड की और अत्यधिक बारिश की संभावना देखी गई है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर भी होती है हद से ज़्यादा होती है, जहाँ पर नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं होती है। दोनों तरह की कंडीशन किस लिए बन रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि DRDO ने एक सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट, देखिए क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड ब्रॉम है, यानी कि इसको गाइड किया जाता है, और बॉम है ये, मिसाइल नहीं है, बॉम है, लॉन्ग रेंज का है, बस इतना भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर कामिकाजे मिसाइल के बारे में देखेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखिए क्या है कि DRDO ने ओडिशा तट से दूर सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से, मतलब सुखोई विमान का उपयोग करके ग्लाइड बॉम गौरव का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। क्या नाम है इसका, गौरव नाम है इस ग्लाइड बॉम का, क्या नाम है, गौरव। ओके, DRDO ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम LRGB गौरव का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट से किया गया है। गौरव एक हवा से प्रक्षेपित 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बॉम है, जो लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, लंबी दूरी तक भेज सकता है, और 1000 किलोग्राम का है, 1000 किलो का है ये। प्रक्षेपित होने के बाद ग्लाइड बॉम INS और GPS डेटा के संयोजन के साथ अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन योजना का उपयोग करके लक्ष्य की ओर बहता है और बहुत ही सटीक तरीके से लक्ष्य को भेजता है। गौरव को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO का जो हैदराबाद विंग है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन को बनाया है, जो इसका रेंज 1000 किलोमीटर तक होगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई डू और डाई मशीन होता है, कि इसको बस छोड़ दीजिए और ये जाकर अपना काम कर पाएगा या तो विनष्ट हो जाएगा। इसको कामिकाजे मिसाइल कहा है तो बड़ा ही खतरनाक सा होता है। कामिकाजे ड्रोन के बारे में यह स्विच ब्लेंड ड्रोन भी कहा जाता है। ये छोटे मानव रहित विमान होते हैं जो विस्फोटक से भरे होते हैं। इन्हें सीधा एक टैंक या सैनिक के समूह से उड़ाया जा सकता है, जो लक्ष्य से टकराने पर विस्फोट होने पर नष्ट हो जाते हैं। ये कोई बॉम्ब गिराता नहीं है, बल्कि खुद ही उड़ता फिरता बॉम्ब है। ये जाकर कहीं पर भी टकरा जाएगा इसको एक बार लॉन्च करने के बाद, और वहाँ पर विनष्ट हो जाएगा। ड्रोन होता है, मानव रहित होता है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं। अगला देखिए क्या है इसी में, कि इसे स्विच ब्लेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें ब्लेड जैसे पंख लॉन्च होने पर बाहर की ओर निकले होते हैं। ड्रोन अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए पारंपरिक मोर्चाबंदी को पार करने में भी सक्षम होता है। रडार से भी बचने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए बड़ा ही घातक इसको माना जाता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में इसको भारी स्तर पर उपयोग किया गया। ईरान के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है, ईरान ने रूस को सप्लाई भी किया था। रूस, चीन, इसराइल, ईरान, तुर्की के पास इसका संस्करण है। भारत ने भी अब बना लिया है अपना स्वदेशी संस्करण कामिकाजे का।
इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा किसने बनाया है। तो कल भारत ने इसको अनवील किया, DRDO स्वदेशी कामिकाजे मिसाइल को बाहर लाया। इसका रूस यूक्रेन वॉर में इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट में सभी जगहों पर इसका उपयोग किया गया था। आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।